टॉप एयरक्राफ्ट लेसर्स ने एयरलाइन इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस में डबलिन में ग्रीन फ्यूल्स की एफिशिएंसी को क्वेश्चन किया है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता को दर्शाया है। एयरकैब के सीईओ इंज स्केली ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पर बिना जरूरी टैक्स पेयर फंडिंग के चेंजेस की संभावनाओं पर संदेह व्यक्त किया। इंडस्ट्री ने 2050 तक 65% इस SAF यूज के टारगेट को पूरा करने के लिए $1.45 trillion से $3.2 trillion के मॉडल रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाया, जो केली ने दूसरे क्षेत्रों की तुलना में एविएशन का संतुलित कार्बन फुटप्रिंट के साथ अनुपात में जरूरी रूप से अव्यवस्थित माना। एवलॉन के सीईओ एंडी क्रोनिन ने भी SAF की कमी और सही प्राइस के बारे में चिंता व्यक्त की है और सस्टेनेबल पॉलिसी पर हस्तक्षेप की अव्यवस्था को दर्शाया। आयरलैंड के एनवायरमेंट मिनिस्टर इमामिन रियान ने जोर दिया है कि हवाई यात्रा अपनी एमिशंस की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। पिछले समय में इंडस्ट्री लीडर्स ने एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अभी के समय में एरोप्लेन्स की कमी और ट्रैवल की डिमांड जैसे प्रॉब्लम के कारण ध्यान का केंद्र बदल गया है। हालांकि वे आशा करते हैं कि जब ये प्रॉब्लम शांत हो जाएंगी तब फिर से एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत के सबसे उच्च नागरिक सम्मान है, डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया गया, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में महान योगदान दिया और देश को भोजन उत्पादन में स्वप्रयोजन की ओर ले जाने में सहायक भूमिका निभाई। एक ऐतिहासिक घोषणा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि भारत सरकार द्वारा डॉक्टर मानकोम्बो स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। उनके भारतीय कृषि और किसान कल्याण में भी बेमिसाल योगदान के सम्मान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने मुश्किल समय में भारत को कृषि में स्वप्रयोजन प्राप्त करने में केंद्रात्मक भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की उत्कृष्ट कोशिश की। पहली बार दुनिया ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक रेड लाइन 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को ब्रिज किया है। यूरोपियन यूनियन की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार पिछले 12 महीनों में एवरेज वर्ल्ड टेम्परेचर 1850 से 1900 के प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से 1.52 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। ये न सिर्फ रिकॉर्ड हाई है बल्कि 2024 में जनवरी अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। साइंटिस्ट इसे अल नीनो के साथ साथ ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज का परिणाम मानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तेज गर्मी, बाढ़, सूखा जैसी मौसम घटनाओं की बढ़त, सी लेवल भी बढ़ रहा है जिससे कोस्टल एरियाज को खतरा है। क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए इमीडिएट स्टेप लेना जरूरी है। फॉसिल फ्यूल छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, डिफॉरेस्टेशन रोकना आवश्यक है। ब्राजील में एक नया मॉथ स्पीशीज मिला है। ये पुष्पमन जैसा ब्राइट मार्किंग्स के साथ होता है और इसके कैटरपिलर को देख के भी लोग हैरान हो जाते हैं। ये साउथ ईस्ट ब्राजील में पाया गया है और ये विलो फैमिली के प्लांट्स पर खाता है। इसका साइंटिफिक नेम अमेरिकेरूरा ब्राजीलेनिसिस है, जिसका मतलब ये है कि ये अमेरिका से है और सेरूरा जो कि उसके अफ्रीकन रिलेटिव्स का नाम से जुड़ा हुआ है। ब्राजीलेनिस नाम के स्पीशीज के नोन रेंज को दर्शाता है।